वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इत्तेहादी जमातों के वीडियो लिंक इजलास में सबलियों की तहरील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं ने इत्तेफाक कर लिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इत्तेहादियों के वीडियो लिंक इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इत्तेहादी जमातों के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म नई मरदमशुमारी ज़मीनी इंतखाबात और असम्बलियों की तहलील पर मशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी के मामले पर मुश्तरका मुफादात कौंसल जो फैसला देगी कबूल होगा। ज़राए ने बताया कि इजलास में ज़मीनी इंतखाबात का मामला निगरान हुकूमत पर डाल दिया गया। शुरका का कहना था कि निगरान हुकूमत आइंदा के ज़मीनी इंतखाबात के मामलों को खुद देख लेगी। इत्तेहादियों ने राय दी कि वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन आपस में मशावरे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कर लेंगे। इजलास में बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का नाम निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए तजवीज़ किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत अलाहाबाद का नाम भी ज़ेर गौर आया, जबकि MQM ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मजीद मशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक इत्तेहादियों से आज रात तक तजावीज़ मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने इस ज़मन में कहा कि जो तजावीज़ देना चाहे वो आज रात तक मुझसे राबता कर सकता है। इजलास में मोहसिन दावड़ ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 नाम तजवीज़ किए।